6. Today is your science class, chapter 5, separation of substances. Substances means separation karna. A mixture is made up of two or more pure substance. Mixture jo hai, do ya do se jyada pure substance se banta hai. The pure substance which are present इन मिक्सचर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. अगर प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. ओके. मोस्ट ऑफ द थिंग विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मिक्सचर. बहुत सी चीज़ें हैं हम जो दिन प्रतिदिन यूज करते हैं वो क्या होती हैं? मिक्सचर. जैसे कि एग्जाम्पल एयर. एयर में देखिए बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. सी वाटर में भी रॉक सॉल्ट शरबत. अगर शरबत बनाते हैं हम शरबत में भी कितना चीज़ों का मिक्सचर होता है. मिल्क. मिल्क में प्रोटीन कैल्शियम इन सब का मिक्सचर होता है. ओके. अ कप ऑफ टी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट. अगर एक चाय की बात करें एक कप चाय की तो उसमें क्या क्या होता है? देखिए मिक्सचर वाटर होता है, टी लीव्स होती हैं टी लीव्स की एक्सट्रैक्ट और शुगर होता है और मिल्क. अगर मिल्क की बात करें तो उसमें मिक्सचर ऑफ क्रीम इन अ वाटरी लिक्विड. ओके. अ मिक्सचर कैन बी सॉलिड. मिक्सचर जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी. इन सम केसेस वी कैन सी इजली द मिक्सचर सब्सटेंस. कभी कभी ऐसा होता है जो भी मिक्सचर्स होते हैं वो हम आराम से देख सकते हैं. और मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो प्रेजेंट है उसके अंदर हमें दिख हम उसे देख नहीं सकते. रीजंस फॉर सेपरेटिंग दियर कंपोनेंट्स. कारण क्या है कंपोनेंट्स को अलग करने का मिक्सचर से? टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट. जो हम उसमें कंपोनेंट नहीं चाहते वो हम रिमूव कर देते हैं, या जो हमें हार्मफुल होंगे जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे वो हम हटा देते हैं. टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस. टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट. ओके. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द रीजन सेपरेटिंग मिक्सचर टू रिमूव एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट फ्रॉम इट. ये कौन सा रीजन? देखिए वी मेक अ कप ऑफ टी. अगर हम एक टी बना रहे हैं बॉइलिंग करा, हमने बॉइल करे टी लीव्स वाटर में. ओके. देन उसमें हमने शुगर ऐड करा एंड मिल्क. आफ्टर टी हैज़ बीन मेड, टी जो है तैयार हो गई, वी रिमूव द टी लीव्स. हम क्या करते हैं? चाय पत्ती को हटा देते हैं पीने से पहले. क्यों? क्योंकि यूज टी लीव्स आर अनडिजायरेबल. क्योंकि वो लीव्स हमारे कोई काम की या हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होती. ओके. नेक्स्ट इज मैथड ऑफ सेपरेशन. मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. When we want to separate the component of mixture, अगर हमें मिक्सचर में से कुछ कंपोनेंट सेपरेट करने तो we should find out some properties. कुछ properties हमें find out करनी पड़ेंगी different equipments के लिए. सबसे पहले threshing. First is threshing. Threshing is a process which stalks which wheat paddy are beaten separate grains from stalk and from chaff that cover the grain. देखिए जैसे कि गेहूँ की ईग वगैरह होती है उसे हम उसमें से गेहूँ कैसे सेपरेट करते हैं? किसी चीज़ पे बीट करके, मार कर, है ना? उस पर अगर हम मारते हैं तो गेहूँ जो है खुद ही अलग हो जाते हैं. ओके. ड्यूरिंग थ्रेसिंग द स्टॉक्स आर कन्वर्टेड इंटू जो भी वीट वगैरह होती है वो स्मॉल पीसेस में हो जाती हैं. किसमें? हे में. नेक्स्ट इज विनोविंग. विनोविंग मेथड क्या होता है? विनोविंग इज सेपरेट हस्क. जो भी इसमें आप देखते हैं हस्क होते हैं ग्रेन्स में जो लकड़ी की टाइप से होते हैं आपने देखे होंगे, वो अगर हम हवा की तरफ ऐसे करके करें जैसे कि दिखा रहे हैं इस पिक्चर में एक मैन, जब हम गेहूँ ऐसे करके वो गेहूँ छानते हैं ऐसे करके, इसमें जब इस बकेट में ऐसे इस बास्केट में इस तरीके से हम गेहूँ छानते हैं तो क्या होता है? जो हस्क है वो एक साइड हो जाते हैं और जो गेहूँ है वो खुद एक साइड हो जाते हैं, है ना? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग हम ज़्यादातर अपने घर पे यूज़ करते हैं.
जैसे कि छोटे छोटे स्टोर निकालने के लिए, जैसे हम कभी दाल बीनते हैं या फिर चावल है ना, तो उसमें जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो निकालने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। सीविंग, सीविंग इज़ यूज टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर विच हैव कंपोनेंट डिफरेंट साइज। सीविंग वो सेपरेशन है जो सॉलिड मिक्सचर, जो उसमें बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स होते हैं वो निकालने में हमें मदद करता है। जैसे कि देखिए, द मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज पुट सीव एंड शिव मूव बैक फोर्थ कंटिन्यूसली द स्मॉल पर्टिकुलर ऑफ द पास थ्रू होल्स कलेक्ट विसल कैप बिलो। देखिए इस तरीके से सीविंग ऐसे करते हैं। हमें देखिए छन्नी दिखा रखी है तीनों, है ना, सीव्स दिखा रखी है कितनी कितनी वॉल्यूम है इनमें, कितना कितना गैप से। देखिए जैसे कि हम आटा छानते हैं, आटा छानना ही देख लीजिए किस तरीके से हम छानते हैं। अगर जो ऊपर का वो फाइन फ्लोर, जो अच्छा आटा होता है वो नीचे आ जाता है और जो बेकार होता है वो ऊपर रह जाता है ना। सीविंग हम इस तरीके से भी करते हैं। देखिए जैसे इन्होंने सैंड की करते हैं हम लोग, जो रेत होती है एक बड़ा सा छन्ना होता है उसमें से क्या करते हैं, रेत डालते हैं, जो इधर के पत्थर होते हैं वो इस साइड रह जाते हैं और जो फाइन सैंड होती है, अच्छी सैंड होती है, वो बैक साइड आ जाती है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग, अगर किसी में आयरन की फीलिंग है, आयरन है या फिर सल्फर पाउडर है, तो हम उसे मैग्नेटिक मैग्नेट से अलग कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ स्कार्प आयरन, स्कार्प आयरन देखिए, इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप, जो भी उसका वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट फिटेड टू क्रेन। क्या करते हैं, जो क्रेन होता है, क्रेन के आगे वो लगा देते हैं इस तरीके का, जिससे कि जो भी ये मैग्नेट होता है वो उससे जो भी वेस्ट है वो ऊपर खींच लेता है। आगे बढ़ने से पहले हम सेडिमेंट और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। द सॉलिड मैटर विच सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ अ सॉलिड, अगर सॉलिड मैटर नीचे की तरफ, लिक्विड जो है नीचे की तरफ आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। और जो डिपोजिशन होता है सॉलिड मैटर का, बॉटम लिक्विड इज कॉल्ड, अगर वो डिपोजिशन हो रहा है तो वो क्या होगा, सेडिमेंटेशन। ओके एंड नेक्स्ट इज डिकेंटेशन पढ़िए। डिकेंटेशन द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्यूबल, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो इनसॉल्यूबल होते हैं, जो डिजॉल्व नहीं हो सकते मिक्सचर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर कंटेन सैंड पार्टिकल्स। क्या होगा कि अगर हम सैंड का मिक्सचर बना रहे हैं तो सैंड उसमें ऐसी ही दिखेगी हमें अलग, वो डिजॉल्व नहीं होगी पानी में। और ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं काफ़ी बार। व्हेन राइस एंड पल्सेस आर वॉश्ड, अगर हम राइस और पल्सेस को धो देते हैं खाना बनाने से पहले और उसे हम सेपरेट करते हैं तो किस कौन से फॉर्म में करते हैं, डिकेंटेशन की फॉर्म में, है ना, क्योंकि वो देखिए अगर हम उसे पानी में धो रहे हैं चावल या दाल को तो वो डिजॉल्व तो नहीं होती, घुलती तो नहीं है, मगर ये है कि हमारी धुल के हम उसे वॉश करके उसे अलग से निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज लोडिंग। लोडिंग इज द प्रोसेस विच अलम पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर टू मेक देम हैवी सेटल डाउन रैपिडली। देखिए आपको इस एक्टिविटीज के थ्रू समझाती हूँ। अ बिग पीस ऑफ अलम, अलम क्या होता है, चूना। ओके उसे हमने एक थ्रेड में बांध लिया। द पीस ऑफ अलम पुट इन टू बीकर, हमने मट्टी वाले बीकर में उसे डाला और उसे फिर रोटेट करा 3-4 टाइम्स, उसमें घुमाया हाथ से, तो देखेंगे जो अलम के पास है आउट फ्रॉम बीकर, अगर जैसे हम अलम को बाहर निकालेंगे तो वैन द पीस ऑफ अलम रोटेटेड इन मडी वाटर, जो पीस होगा अलम का वो कैसा हो जाएगा, मडी वाटर हो जाएगा, है ना। सम ऑफ द अलम डिजॉल्व इन वाटर, कुछ अलम तो ऐसी हैं जो डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर में, एंड
द पार्टिकल्स ऑफ डिजॉल्व अलम डिपोजिट ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर। अगर क्ले पार्टिकल्स का मडी वाटर है तो वो डिपोजिटेड होती है, सस्पेंडेड होती है, मतलब नहीं हो पाती। विथ हैवी अलम पार्टिकल ड्यू टू दिस क्ले पार्टिकल्स बिकम क्वाइट हैवी सेटल डाउन। नेक्स्ट इज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो है देखिए एक राउंड शेप में होता है, ओके, उसमें कुछ टीनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे हम जो हम अपनी नेक डाई से अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते हैं, हम बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं उसके छोटे छोटे होल, ओके, और उसके आसपास कैन नॉट पास थ्रू एनी होल्स ऑफ फिल्टर पेपर। द सॉलिड रिमेन फिल्टर पेपर कॉल्ड रेसिड्यू। द राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर टेकन हाफ, अगर हमने हाफ लिया फिल्टर पेपर का, देन ट्वाइस हाफ, उसे फिर हमने हाफ कर दिया इस तरीके से, देखिए फिर इसे कराया तो ये एक फ्यूनल की तरह बन गया है ना, लेबोरेटरी में हम इसे यूज़ भी करते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज़ यूज सेपरेटिंग इन सॉल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। फिल्ट्रेशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड पार्ट में से हमें सॉलिड पार्ट को अलग करना, जैसे कि अभी आपको बताया था चाय पत्ती लिक्विड पार्ट में से अलग करी थी हमने। अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय फिल्ट्रेशन। और जो मिक्सचर होता है चॉक का उसे हम वाटर से कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन, ओके। एंड नेक्स्ट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इवेपोरेशन जो है सॉलिड सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है वाटर में, जैसे कि द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जब हम इवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट नीचे रह जाता है और पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है। डिस्टिलेशन इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल वाटर। अगर हमें वाटर और सॉल्ट को दोनों को रिकवर करना हो तो सॉल्ट वाटर का मिक्सचर द प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन, ओके। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, अगर सॉल्ट वाटर को हमें बाय डिस्टिलेशन क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो देखिए वाटर इज वॉलेटाइल लिक्विड, लिक्विड है ये जो वेपर की फॉर्म में गैस की फॉर्म में निकल जाता है, और सॉल्ट जो है नॉन वॉलेटाइल है तो वो वाइपर की फॉर्म में नहीं निकल पाता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व। अगर कोई भी क्वांटिटी जो हमने वाटर को दी है अगर वो डिजॉल्व कर ले, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें ज़्यादा सब्सटेंस ना हो डिजॉल्व करने के लिए उस टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है जब हम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व, अगर उस अमाउंट को हम डिजॉल्व कर दें वाटर में, है ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पे हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हमारे क्या है, सॉल्युबिलिटी। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट, हमारे पास 36 ग्राम सॉल्ट है डिजॉल्व करने के लिए 100 ग्राम वाटर में, और टेम्परेचर है 20 सेल्सियस, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इज 36 ग्राम एट 20 सेल्सियस। 20 सेल्सियस में जो वाटर की वाटर कितना रह जाएगा हम पे, 36 ग्राम। इट इज़ क्लियर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस रेफर टू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सब्सटेंस कॉपर सल्फेट 21 ग्राम, ओके। नेक्स्ट इज इफेक्ट हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, रीड दिस स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट इज आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, read this chapter again and again. Thank you.